हेलो, गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे हो आप? तो आशा है कि आप लोग भी सही होंगे। बाहर से देखा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि बाहर की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होती है। नहीं यार, जो ज़िंदगी अपनी घर पे खेती बिताई जाती है ना, जो मज़ा घर पे अपनी खेत में है ना, वो मज़ा शहरों में नहीं है। शहर की ज़िंदगी काफ़ी डिफिकल्ट होती है ना। तो सुबह मतलब ड्यूटी जाने के लिए सुबह सुबह उठो। अभी मैं 5 o'clock पे मतलब 5 बजे उठा हूँ और मुझे जाने में अभी 1.5 घंटा लगेगा सुबह का। ज़िंदगी कितनी डिफिकल्ट है शहर में रहने के लिए। पैसा कमाने के लिए मुझे अपनी नींद को त्यागना पड़ता है। मुझे नहीं, हर एक इंसान को जो भी शहर में होते, बट क्या करूँ, अपनी लाइफ ही ऐसी है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा, जितना हो सके आप लोग अपने ही देश में, अपने गाँव में रहो, अपनी दिन कर दिया करो, शहर आने की कोशिश ना करो। और ये अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं तो अभी बस के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ नारियल पानी, ये लोग भी अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं मालूम है। अब मैं बस के लिए आ चुका हूँ और मुझे बस का वेट करना पड़ेगा। बस कब तक आनी कोई ना, ज़िंदगी जीना है तो फिर संघर्ष करना ही होगा और संघर्ष करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो देखते हैं गाइस कब तक बस आती है। बस का भी तो बहुत टाइम है, बट मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसी है बाहर की ज़िंदगी, शहरों की ज़िंदगी। मुझे तो काफ़ी कठिनों का सामना करना पड़ रहा है, मैं क्या बताऊँ। मेरे सामने क्रिकियर एशिया हॉस्पिटल है, देखो गाइस ये हॉस्पिटल है। और ये ऊपर मेट्रो बन रहा है। तो फाइनली मैं ऑफिस के पास आ चुका हूँ और अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी मुझे जल्दी आना पड़ता है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होते हैं। बट आज तो ट्रैफिक था नहीं, सो इस वजह से मैं जल्दी आ गया और बस भी कहीं स्टॉप नहीं हुआ। सो मैं बताना चाह रहा था कि बाहर की ज़िंदगी कितनी टिपिकल सी होती है गुजारना। बस जो लोग शहर में होते हैं ना, उनको बस दो ही चीज़ की आशा होती है, पहली सैलरी, दूसरी संडे। यार सैलरी कब आएंगे और संडे कब आएंगे, मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं वैक्ट कर नहीं सकता। संडे का इस कदर इंतज़ार होता है ना, जैसे कि दूसरी ज़िंदगी मिल जाती है। तो प्रॉपर्ली मैं अब आ ही चुका हूँ ऑफिस में, ऑफिस के बाहर था, ऑफिस के अंदर हूँ तो अब ऑफिस में जा रहा हूँ। एक नींद भी जारी करता, अगर मैं सुबह में नहीं आता ना, मुझे नींद ये ऑफिस का रास्ता कहीं जाके नहीं सर है, सुपर वाले रहे और मेरे पीछे कोई जा रहा। क्या मैं रखता हूँ, मैं दिखाता हूँ पूरा। क्या मैं नाइट में चुका हूँ मैं, कितनी जल्दी सुबह सुबह, ऐसा लगता है कि अभी सूरज होगा ही नहीं है। और देखता हूँ आज रिसेप्शन पे कौन है, आज नया बंदा है कोई नहीं। 6 बजे आनी पड़ती ज़िंदगी ऐसी, लाइफ भी ऐसी, क्योंकि 6:30 बजे फोटो अपडेट करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो एक करंट तो मिल चुके इतनी जल्दी, रिसेप्शन पे कौन है? ओ माय गॉड, आज रिसेप्शन खाली है। ओ माय गॉड,
मैंने फिंगर लगा दिया प्रूफ कि मैंने नहीं लगाया, ऐसा हो नहीं सकता सर, मुझे कहने से एक फिंगर नहीं लगा तो मैं ऑफिस से सीधे चेंजिंग रूम जाऊँगा क्योंकि प्लेस भी चेंज करना पड़ गया। चलो तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, ड्रेस मेरा चेंजिंग हो गया और अब मुझे 10 मिनट के बाद मुझे अपने पोस्ट पे जाना पड़ेगा। सो गाइस मैं बस यही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी जो लाइफ अपने घर पे रह के बिता सकते हो ना, वो ज़िंदगी जी सकते रहो तो वो ज़िंदगी यहाँ शहर में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको हर एक चीज़ को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपनी नींद से लेके अपनी फैमिली से लेके अपनी नींद तक को सबको भूल जाना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य पैसा कमाना है तो फैमिली को खुश रखना है तो, वरना आप तो चलते फिर से भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो मैं तो बस यही बोलूँगा, आप कोई भी डिसीजन लो, सोच के डिसीजन लो कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और आगे क्या आने वाला है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हो। सो गाइस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।